हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया ब्लॉग चैनल। तो अभी हम गोलघर में आए हुए हैं और गोलघर का ये पार्क है और देख सकते हैं ये पार्क है और पीछे में देख सकते हैं गोलघर है और यहाँ से ऊपर से चढ़कर देखते हैं, ऊपर से नज़ारा ही कुछ और आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर, सीढ़ी लगा हुआ है और पीछे में देख सकते हैं गोलघर है। यहाँ से नज़ारा सही नहीं आ पा रहा है, दिखाएंगे ऊपर से, ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर से देखने में और अच्छा लगेगा। यहाँ से पूरा पटना की सीन ही लौकेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा गोलघर और यहाँ पे पार्क है। पार्क में सब लोग आए हुए हैं और सबसे ऊंचे पर चढ़े हुए हैं क्योंकि ये बनाया हुआ है, सीढ़ी जैसा बनाया हुआ है। उसको क्या बोलते हैं हमें तो नहीं पता है, आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ की खास चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे पार्क है और पार्क में सब लोग आए हुए हैं और उधर से दिखाते हैं। हाँ, और पीछे में देख सकते हैं बच्चा के लिए पार्क है और उसमें झूला झुलाया जाता है। झूला झूलने के लिए सब लोग बच्चे लोग का वो बनाया गया है और वहाँ पर बच्चे लोग आते हैं। यहाँ से गोलघर का नज़ारा ही नहीं, बहुत ही झगास आता है और बहुत ही बढ़िया देख सकते हैं। और बीच में पेड़ है, इसके वजह से पूरा क्लीन नहीं दिख पा रहा होगा और आज हवा बहुत ही चल रहा है, इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। गोलघर के पास में आ गए हैं और ये रहा गोलघर, पास में ही है, खड़ी है और यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ही बनाया गया है और इस पर नाम भी लिखा गया है, पता नहीं किस किस का नाम लिखा गया है। और हम इंग्लिश दिखाते हैं और ये देखिए यहाँ पे नाम लिखा गया है, यहाँ पे सब लोग देखिए नाम लिख देते हैं, यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। तो खैर वो ठीक है और यहाँ पे सब लोग देखिए नाम लिख दिया गया है, यहाँ पे आते हैं तो प्यार का इजहार इसी गोलघर पर ही कर देते हैं। जो अपना अपना प्यार करते हैं वो सब नाम लिख देते हैं, जैसे हम दिखा सकते हैं, ये देखिए मनीषा, मुस्कान, ये क्या क्या लिखा है, अभिषेक, अभियान, ऐसे ये सब नाम लिख दिया गया है। तो कहाँ तक सही है, ये नहीं लिखना चाहिए था। और यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं गोलघर, यहाँ घूमने के लिए आते हैं, टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए और इस तरह से नाम लिख दिया जाता है, ये सही नहीं है और नहीं लिखना चाहिए था। और आगे दिखाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे एक्टर और यहाँ पे शूटिंग भी होता है, यहाँ पे शूटिंग करने के लिए भी लोग आते हैं और यहाँ पे शूटिंग करते हैं। और मेरा हेयर स्टाइल देख के मतलब सोचिएगा मत कुछ, क्योंकि ये कटवा ली है, बहुत छोटा छोटा हो गया है, अच्छा नहीं कटा है। और आगे चलते हैं और आगे, और यहाँ की क्या खास चीज़ है, खास चीज़ हम दिखाने का प्रयास करते हैं और खास चीज़ दिखाएंगे। अभी हम आप लोग का गोलघर दिखाए, आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सो फाइनली गाइस, हम पूरा गोलघर घुमाए, आप लोग के कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ के क्या चीज़ जो आप लोग के अच्छा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और देख सकते हैं पीछे का गोलघर क्या नज़ारा आ रहा है। और अभी हम पार्क में हैं और पार्क में देख सकते हैं यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए, दूर दूर से टूरिस्ट लोग भी आते हैं। तो बस इतना ही, ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं और बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।